पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का दोबारा आगमन चोर की तरह है, इसका क्या अर्थ है? मेरे पास किसी भाई ने भेजा हुआ एक सवाल है। ईसा मसीह का चोर के मुताबिक आना क्यों कहा है? यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24, मार्कुस में भी है, लूकस में भी है, महासंकट के विषय में, ईसा मसीह का पुनरागमन के विषय में, न्याय देने के लिए, ये सब वहां पर वर्णन किया है। उसके अंदर ये कौन सा समय पर प्रभु आएगा ये प्रभु मना करते हैं, मानव पुत्र को भी नहीं मालूम है ये कब होना है। लेकिन वो चोर जिस प्रकार रात्रि में किसी घर में प्रवेश करता है, घर का अगर मालिक को मालूम है वो सतर्क रहेगा, 1 बजे आएगा या 2 बजे आएगा या 3 बजे आएगा। लेकिन जिस प्रकार चोर आता है जब सब लोग सो रहा है, गहरे नींद में है, तब वो चुपचाप घर के अंदर घुसता है लूटने के लिए। उसी प्रकार मानव पुत्र का भी आगमन होगा ये लिखा हुआ है। क्या मतलब है? साफ साफ हम एक उत्तर दे सकता है, यदि हम लोगों को मालूम है 2025 को संसार का अंत है, ईसा मसीह का पुनरागमन है, तो मेरे विचार में 2024 दिसंबर 31 तारीख तक लोग मौज के जीवन जिएगा, क्योंकि वो 2025 को होना है। 25 को हम सतर्कता बताएंगे, हम पाप स्वीकार कर करके तैयार रहेंगे, इस प्रकार सोचेंगे। कई लोग ऐसे ही होता है, किसी को जो नौकरी है उनको ना चर्च जाने के लिए टाइम है, ना घर में पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय है, ना बाइबल पढ़ने के लिए समय है, बिल्कुल व्यस्त है दुनियाई चीजों में, पैसा कमाने में, नौकरी में, अन्य दुनियाई कार्य में लगा हुआ है। प्रार्थना के लिए पूछे ब्रदर, बिल्कुल टाइम नहीं है, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे उलझनों में पड़ा हुआ है, संसारी की चीजों में लोग व्यस्त है। इसलिए प्रभु समझाते हैं मसीह का आगमन। अभी मैं यहां पर एक और साफ करूंगा, जैसे कई पेंटेकोस्टल चर्च वाला जो लोगों को डराने के लिए बोल रहे हैं, बस ऐसे होने वाला, वैसे होने वाला, ये है वो है, अभी 2024 में होएगा, 25 में होएगा, 2000 में हो गया, ऐसे ऐसे समय निर्धारित करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहेगा, डराते रहेगा। ये डराने का कोई बात नहीं है। यदि ईसा मसीह को समय नहीं मालूम है, किसी को दर्शन मिल रहा है, उधर मिल रहा है, ऐसे ऐसे समय बताना भी, ये भी गलत है। हमें इसको कैसे सीखना चाहिए? ये कोरोना का समय पर और इसके बाद का ये समय हम लोगों के लिए कच्चा सीख है। किसी ने सोचा था क्या ऐसे एक बीमारी होगा? लाखों लोगों का मृत्यु हो चुका है, केवल एक वायरस जिसे हम देख नहीं सकता। इससे एक छोटा सा बीमारी आकर के मनुष्य के जीवन को कैसे बर्बाद किया,
यदि एक छोटा सा वायरस कोरोना हमारे जीवन को इस प्रकार कर सकता है, हमारा अंत कब है? अच्छा अष्टपुष्ट लोग इसके अंदर खत्म हुआ, और आज भी देख लीजिए, चलते फिरते लोग गिर रहा है, हार्ट अटैक ये बोलता है, खत्म हो गया। उनके लिए उसी क्षण खत्म हो गया, इसके बाद कहां सुधरने का समय? चोर के समान उनके जीवन में मृत्यु आया। कब संसार का अंत हो रहा है, कब ये समस्या आ रहा है, ये दूसरी बात है। मैंने एक क्लास हाल ही में डाला था, मृत्यु एक सत्य बात है। कब किसके मृत्यु आएगा वो किसी को मालूम नहीं है, ये चोर के रूप में ही आता है। बाइबल के अनुसार अनेकों ऐसा उदाहरण के तौर पर प्रभु ने हमें सिखाया है, जैसे प्रसव पीड़ा कब आ रहा है नहीं मालूम पड़ता है, स्त्री की प्रसव पीड़ा जैसे उस समय पर आएगा। हम लोग चलते फिरते लोग गिर रहा है, मर रहा है, यही हम लोगों के लिए उदाहरण है चोर के माफिक आना। ये इसलिए है, इसलिए बताया है, हमें हमेशा सतर्क रहना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 से एक और उदाहरण लेते हैं। ईसा मसीह एक बार बेथानिया से यरूशलेम जा रहा था, एक अंजीर का वृक्ष को देखा, एकदम पत्तेदार वृक्ष, उसको देख करके ईसा मसीह उसके पास जाते हैं फल तोड़ने के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, मार्कुस ने लिखा, उस समय पर अंजीर का वृक्ष फल देने का मौसम भी नहीं था, फिर भी ईसा मसीह वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद प्रभु ने कहा, आपसे कोई इसे फल ना खाए, अगले दिन उसको सूखा हुआ मिला। अंजीर का वृक्ष बोलता है, मैं फलाना महीने ही फल दूंगा, लेकिन ईसा मसीह कहते हैं फल 12 महीने चाहिए। हम रिटायरमेंट के बाद प्रार्थना करेंगे, हम थोड़ा सेटल होने के बाद हम शुरू करेंगे प्रार्थना, हम चर्च जाने के लिए ये कंडीशन हम पूरा करने दो, इसके बाद हम चर्च जाएंगे, इस प्रकार रखने वालों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। ईसा मसीह कहते हैं आपका फल निरंतर होना चाहिए, कब आप अभी सूखने वाला है आपको मालूम नहीं है, इसी वजह से सतर्क रहना है। यदि घर में मालिक को मालूम है चोर फलाना समय पर आता है, वो जागते हुए बैठेगा उस समय, उससे पहले भी वो सोएगा, उसके बाद में भी वो सो सकता है। अगर उसको मालूम है 3 बजे डाकू आने वाला है, वो 3 बजे अलार्म रख करके जागेगा, वो डाकू को भगाएगा। प्रभु ये नहीं चाहता है, मैं वर्ष में 1 महीना फल देने वाला अंजीर का वृक्ष नहीं बनाना, आपको प्रभु फलदायक बनाना चाहते हैं। सदा आप सतर्क रहे, सदा आप तैयार रहे स्वर्ग जाने के लिए, ये प्रभु चाहता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उसी समय से स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी रहना है, तो हमारा अंध चोर के माफिक आ सकता है, उसको मेडिकल साइंस में हार्ट अटैक बोल सकता है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं, हमारे जीवन का अंत समय आ गया था, चोर के माफिक आ गया था, इसलिए हमें प्रभु सतर्क कर रहा है। एक और वचन निकालना चाहूंगा, 1 तसलोनी का 1 पत्र अध्याय 5, उसका वाक्य 1 को अगर पढ़ेंगे, 1 तसलोनी 5:1, वहां पर लिखा हुआ है, भाइयों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चोर के माफी आने वाला है, चोर कौन से समय पर आएगा ये नहीं मालूम, इसलिए उसके विषय में लिखने की जरूरत नहीं। वाक्य 3
वहां पर लिखा हुआ है, जब लोग ये कहेंगे अब तो शांति है और सुरक्षा है, खाने पीने के लिए सब है, मौज मनाओ, अभी पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, अच्छा चल रहा है ना, अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेगी। इसलिए हमें सतर्क करने के लिए, हमेशा तैयार रहने के लिए प्रभु ने कहा, प्रभु का पुनरागमन अर्थात हमारा मृत्यु चोर के माफिक कभी भी हो सकता है, स्त्री की प्रसव पीड़ा के समान कब शुरू हो रहा है ये कोई डॉक्टर भी नहीं बोल सकता है। इसीलिए हमें सतर्क करने के लिए, तैयार रहने के लिए ये वचन बताया है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हमेशा तैयार रहने के लिए प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे, स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। हर रोज सोने के पहले उस दिन का पूरे काम पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, क्या क्या गलतियां हुआ, क्या क्या करना चाहिए नहीं किया, प्रभु से उसके लिए माफी मांगेंगे। एक नया दिन जब मिलता है सवेरे उठकर के प्रभु को उस दिन के लिए धन्यवाद देना और उस दिन को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु आज के दिन स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए हमारी मदद करना, सत्य पर, ईमानदारी पर, पवित्रता पर जीने के लिए आज के दिन हमारी मदद करना। हर रोज इस प्रकार हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, निर्णय कीजिए। जितने भी दुखित पीड़ित लोग हैं, परिवार में शांति नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी रोगी है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, विशेष रूप से कैंसर के रोग और जिनका हृदय पीड़ा है, जिनका किडनी का प्रॉब्लम है, निसंधान लोग हैं, ऐसे अनेकों लोग रोज मुझे फोन कर रहा है या मैसेज डाल रहा है। प्रभु ने संधान की आशीष दी, सब प्रकार के रोग कमजोरियां दूर हो जाएं, सभी दंपतियों को संधान की आशीष मिले। अनेकों ऐसे युवक युवतियां हैं जिनके विवाह में कोई बाधा है, विवाह नहीं हो रहा है, सभी रुकावटें दूर हो जाएं, सभी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी मिले, परिवार में शांति हो, नशे के बंधन से सब लोगों को मुक्ति मिले, हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, परिवार के सब लोग मिलकर के एक घंटा प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हो जाएं, बाइबल पढ़ें, वचन सुने, यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाएं, प्रतिदिन प्रभु के आगमन का इंतजार करते हुए जिएंगे। निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।